दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए IREL इंडिया लिमिटेड से एक वैकेंसी लेके आया हूँ। तो आप जैसे ही ना मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट लिंक लिख दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इज़ 15/9 को ये ना स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 5/10 को ये ख़त्म हो जाएगा। टू बी अनाउंस डेट अभी अनाउंस होगी। रिटर्न टेस्ट की टेस्ट व्यू एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाएगा। क्लिक हियर टू व्यू गाइडलाइंस अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ देखिए, इधर गाइडलाइंस दी हुई है आपको क्या करना है, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको इस अप्लाई पे। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट आपको न्यू कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नए कैंडिडेट है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी रेडी रखने हैं आपको। तीसरा स्टेप है, ऑलरेडी अगर आप लॉग्ड इन हैं तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अपलोडिंग फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, मेक पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशंस, और डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, डाउनलोड कर सकते हैं स्टेप 4। तो स्टेप फर्स्ट न्यू कैंडिडेट्स के लिए स्टेप फर्स्ट ये आपको पहले तो इस पर करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा फ्रेश क्लिक टू रजिस्टर। क्लिक हियर टू रजिस्टर यानी न्यू लॉग इन। आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेल ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। वंस द इंफॉर्मेशन फील्ड, ये फिर दोबारा से चेंज नहीं होगी एक बार अगर आप डिटेल भर देते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन, ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड फॉर, पासवर्ड इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी, पोस्ट अप्लाइड है और पासवर्ड आपको डालना है और सबमिट करना है। फिर इसके बाद आपका ये आ जाएगा स्टेप 2, आपको करना है डॉक्यूमेंट्स रखने, ईमेल आईडी, पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसके जरिए आप कर सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ एन रिसेंट फोटोग्राफ, 3 हफ्तों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साइज़ आपका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, और दूसरा उसका साइज़ आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th 12th SSC बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप लगाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लगाइए, सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन है अगर तो भी लगाइए। स्टेप 3 अगर आप कंप्लीट कर देते हैं, लॉग इन टू इन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऑलरेडी इन अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट डू विजिट इस वेबसाइट पर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू कंप्लीट टू लॉग इन, और इस तरीके से आपका दिखाई देगा फिल टू बी कंप्लीटेड, टू बी इसको कंप्लीट करना है आपको, फिल एप्लीकेशन, पूरा डाटा इसमें फिल करना है और फिर सेव करते जाइए आप, फोटोग्राफ अपलोड करिए, पूरा डिटेल इस तरीके से आपको दिखती चली जाएगी। फीस आपकी अदर कैटेगरी के लिए है, SC ST के लिए तो 0 है, बिल्कुल फीस माफ़ है, और जनरल कैटेगरी के लिए 400 है। दूसरी चीज़ आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट का मोड जो भी दिया हुआ है आपका नेट बैंकिंग कार्ड या इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस आप पेड कर दी दोबारा रिफंडेबल नहीं होगी। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार सबमिट कर दिया एप्लीकेशन यू कैंट एडिट द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, और उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए और कंप्लीट प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा, डाउनलोड प्रिंट। फिर द एडमिट कार्ड जब अगर अवेलेबल होते हैं जिस दिन आते हैं ड्यू डेट पे, तो आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।